डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी मधुसूदन शर्मा द्वारा शनिवार को हिमाचल के पंजाब सीमा के साथ लगते 9 नाकों का निरीक्षण किया गया। इसी कड़ी में पंजाब सीमा से सटे चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लगे नाके गरामोड़ा में व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के साथ ही उन्होंने पुलिस जवानों को आ रही दिक्कतों के बारे में भी चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत में डीआईजी मधुसूदन ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा बाहर से आ रहे लोगों को नाके पर किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसका पुलिस द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने जनता से आग्रह किया सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन की अनुपालना करके कोरोना की इस चेन को तोड़ने में लोग सहयोग दें ताकि मिलजुल कर कोरोना को हराया जा सके। और कर्फ्यू को लेकर कोई नए नियम जोड़े गए इसके बारे में? अभी यहाँ पे उसमें मैं आया हूँ, यहाँ पे जाने से ही बात की है, जो ड्यूटी दे रहे हैं उनसे भी बात की और उनसे पूछा है कि उनको क्या परेशानी है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और हम कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो जो अभी तक यहाँ पे देखा गया है उसके अनुसार काम बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, पब्लिक को इनकन्वीनियंस भी नहीं हो रही है, किसी तरह की बेरहमी भी नहीं हो रही है और अपना काम भी मुलाजिम जो है हमारे जो पुलिस के कर्मचारी वो ठीक तरीके से कर रहे हैं। इसके साथ साथ इनके स्वास्थ्य के बारे में भी इनको बताया गया है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, प्रॉपर मास्क पहने, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करें, ग्लव्स पहने और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे दूरी सर। और जो इस